हीट वेव ने पंजाबियों पर हल्ला बोल दिया है और तमाम तर पंजाबियों को ये कहा जा रहा है कि आप लोग एहतियात करें, गर्मी से बचें। लेकिन गर्मी से बचना किस तरह है? अगर कोई घर बना रहे हैं लोग तो वो अभी से एहतियात करें कि उसमें आप जो दीवारें हैं और छत हैं उनके अंदर इंसुलिन शीट लगवा लें। मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम इन चीज को समझते नहीं। बच्चों को घर में एंगेज रखने के लिए एक छोटी सी टिप है कि आप रेत की एक आध दो बोरियां मंगा सकते हैं और उसमें लाइक ईंटें रख के किसी भी घर के पार्ट पे, क्योंकि ऊपर पंखा चल रहा हो, उस रेत को आप पानी से भिगो दें और उस पे बच्चे जो है ना वो लेटे खेलें और उस पे सो जाएं। तमाम तर वो लोग जिन्हें ऑफिसेज जाना है और खास तौर पर खवातीन, वो सन टैन से कैसे बच सकती हैं? दो कम से कम टॉवल जो हैं वो आप छोटे टॉवल हैंड टॉवल वो आप ले लें और उनको वेट रखें, एक तो सर के ऊपर और एक गर्दन के पीछे। इमली आलू बुखारा के शरबत वो रात को भिगो दें, वो आप पिए, ठीक है। इसी तरह से आप जो नेचुरल हमारे ड्रिंक्स हैं उनको यूज करें। अस्सलाम वालेकुम, टीवी टुडे डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी मेजबान नूर अमारला। नाज़रीन, हीट वेव ने पंजाबियों पर हल्ला बोल दिया है और तमाम तर पंजाबियों को ये कहा जा रहा है कि आप लोग एहतियात करें, गर्मी से बचें। लेकिन गर्मी से बचना किस तरह है, ये तमाम तर चीजें जानने के लिए हम आए हैं डॉक्टर इजहार खान साहब के पास, जो कि डॉक्टर ऑफ मेडिसिन है। इनसे जानते हैं कि गर्मी की शिद्दत से, इस एनवायरमेंट से, इस वेदर चेंज से हम कैसे बच सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो हमें बताएं कि आप क्या सजेस्ट करते हैं तमाम तर वो लोग जो हमें देख रहे हैं और एसी लगाना अफोर्ड नहीं करते, वो एसी लगाए बिना अपने घर को, एनवायरमेंट को कैसे ठंडा रख सकते हैं? राइट नूर, बहुत शुक्रिया आपका। आपने एक इम्पॉर्टेंट, आजकल जो बहुत ज़्यादा हीट वेव आई हुई है स्पेशली लाहौर में और पंजाब के, जैसे जिक्र किया आपने, इसमें मैं दो तीन सजेशन देना चाहूँगा लोगों को और उससे हम डेफिनेटली बहुत बेहतर अंदाज में कोप अप कर सकते हैं। ठीक है। नंबर वन ये है कि आप घरों के हवाले से जैसे आपने बात की, तो घरों को आप, चूँकि आपकी जो छत होती है ना, इससे डायरेक्टली 70-80% हीट आपकी छत के जरिए से आती है। सही। तो हमारा सिस्टम ऐसा है, हमने घर बनाते हुए सबसे पहले हमें ख्याल रखना चाहिए, तो उसमें अगर कोई घर बना रहे हैं लोग तो वो अभी से एहतियात करें कि उसमें आप जो दीवारें हैं और छत हैं उनके अंदर इंसुलिन शीट लगवा लें। ओके। वो बिल्कुल सिंपल, इतना एक्सपेंसिव नहीं, इतना बड़ा घर बना रहे हैं आप तो उसमें इतने एक्सपेंस कर रहे हैं, तो अगर इंसुलिन शीट आप लगाते हैं, या गाँव में क्या लोग करते थे कि पहले उनके नीचे करके उसके बाद मिट्टी का एक पूरा लेप कर देते थे, उसके बाद वो सीमेंट और सारा करते थे, उससे हीट की जो अंदर एब्जॉर्बेशन है वो कम हो जाती है। ओके। इस तरह से, और जो बना चुके हैं कुछ नहीं हो सकता, उनके लिए भी मैं सजेशन दूंगा। उसमें ये है कि वो छत पे जो कोई भी वाइट केमिकल, जैसे चूना होता है या कोई ऐसे केमिकल मार्केट से मिल जाता है, ठीक है, वो सिंपलेस्ट वे में 2-4 हजार रुपए में वो पूरा पानी में घोल के अपनी छत पे जो है ना फैला सकते हैं वाइट कलर का। उससे होता है कि आपकी जो लाइट है, जो हीट अब्सॉर्ब है, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है। रिफ्लेक्ट, तो उसमें मिनिमम 20-30 डिग्री का आपको परसेंट का आपको फर्क पड़ जाता है। ठीक है। तो आपके पंखे भी बेहतर हवा देते हैं और वैसे भी आपको काफी ज्यादा फर्क पड़ता है, नंबर वन। नंबर टू, जो इनकी लाइक है, जैसे मैंने बताया, इस तरह से जो रूम कूलर्स की बड़ी बड़ी टेक्निक्स हैं, सिंपल रूम कूलर जो है वो आप यूज करें। एसी वैसे भी हेल्थ के लिए इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, जो अफोर्ड कर सकते हैं इट्स ओके, लेकिन नहीं कर सकते तो रूम कूलर भी डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। एक छोटी सी टिप है जो हम बात कर रहे थे, वो थोड़ी सी फनी भी है लेकिन बहुत मजे की है। बच्चों को घर में एंगेज रखने के लिए आपको कुछ ना कुछ उनको एंगेज घर पे रखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आप देखें कि एक तो मेरा मशवरा है कि आप जो घड़ा होता है या मिट्टी के कूलर्स भी आजकल आ रहे हैं, ठीक है, एक वो टूटी भी लगी होती है उसके अंदर, तो आप एक तो पानी वो घरों में रखें। उसके बाद हम गांव में जब अपने जाते थे, ठीक है, हमारा पोटोहार से ताल्लुक है, तो गांव में जाते थे तो वहां पे आमतौर पे होता था कि जो नीचे एक पूरा सिस्टम बनाया होता था उसमें रेत होती थी और रेत को गीला करते थे और उसपे घड़े रखते थे तो वो ठंडे रहते थे, ठंडे रहते। तो इस तरह बच्चों को घर में एंगेज रखने के लिए एक छोटी सी टिप है कि आप रेत की एक आध दो बोरियां मंगा सकते हैं और उसमें लाइक ईंटें रख के किसी भी घर के पार्ट पे, क्योंकि ऊपर पंखा चल रहा हो, उस रेत को आप पानी से भिगो दें और उस पे बच्चे जो है ना वो लेटे खेलें और उस पे सो जाएं। सो जाएं। ओ हो, अच्छा ये भी काम कर सकते। दूसरा, मिट्टी जो है ना, मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम इन चीज को समझते नहीं। जो मड ट्रीटमेंट, मिट्टी से ट्रीटमेंट किया जाता है अल्टरनेटिव मेथड ऑफ ट्रीटमेंट में, ठीक है, ठीक है, तो मिट्टी जो है, एक तो मशवरा साथ साथ चलते हुए बताऊंगा कि लाजमी तौर पर आप लोग अपनी बॉडी जो एसिडिक है या जितनी नेगेटिव फोर्सेज है और जो गर्मी है आपके, अगर आप रोजाना आपको चाहिए कि चाहे चेयर पे बैठ के
ठीक है, आप जो मिट्टी है या लॉन है आपका ना, उसमें नंगे पाओ आप मिट्टी को अटैच जरूर करें। ठीक है, हम लोग काफी काफी अरसा जो है हमारे पाओ जो है वो मिट्टी से अटैच ही नहीं होता, बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, तो आप जो है ना रोजाना थोड़ी देर मिट्टी में जूते उतारें, ठीक है, चेयर पे बैठे, ठीक है, या वैसे जमीन पे बैठ से अपनी बॉडी को डायरेक्टली जमीन और मिट्टी से अटैच रखें। ओके सर, वैसे स्कूल्स में तो छुट्टियों का ऐलान हो गया, लेकिन तमाम तर वो लोग जिन्हें ऑफिसेस जाना है और खासतौर पर खवातीन, वो सन टैन से कैसे बच सकती हैं, क्योंकि आज के दिनों की धूप भी बहुत ज्यादा शदीद है। बिल्कुल ठीक, आपने ये भी बताया इसमें सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे हम कहते हैं अब दूसरे प्रोग्राम में कि आप दो कम अज कम टॉवल जो है वो आप छोटे टॉवल हैंड टॉवल वो आप ले लें और उनको वेट रखें, एक तो सर के ऊपर और एक गर्दन के पीछे। गर्दन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली हीट एब्जॉर्ब यहाँ से होती है, तो इसको आप लाजमी करें। तीसरा, आप सन ग्लासेस, थोड़े डार्क सन ग्लासेस का आप इस्तेमाल रखें, तो उससे आपको रिफ्लेक्शन आपके माइंड को जाएगा कि इतनी ज्यादा शार्प धूप नहीं है, तो आपको इससे बहुत ज्यादा काम एंड कूल हुए। प्लस आप जो ड्रिंक लेते हैं उसमें आप घर के ड्रिंक यूज करें, फिजी ड्रिंक बिल्कुल यूज ना करें, कोल्ड ड्रिंक यूज ना करें, केमिकल वाले डब्बों में जो ड्रिंक्स है वो कतन यूज ना करें। आप घर में कच्ची लस्सी यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा दूध डालें उसमें भर के आप पानी डाल दें जितना मर्जी और नमक डालें। इसी तरह से आप सत्तू यूज कर सकते हैं, इस तरह से इमली आलू बुखारा का शरबत वो रात को भिगो दें वो आप पिए। ठीक है, इसी तरह से आप जो नेचुरल हमारे ड्रिंक्स है उनको यूज करें, ना कि आप अननेचुरल ड्रिंक्स यूज करें। प्लस पानी का जो इस तरह स्कंजवी बहुत इंपॉर्टेंट, लेमन की स्कंजवीन जो है वो बहुत जबरदस्त ड्रिंक है, उसमें पुदीना भी थोड़ा डाल लें तो वो होता है। इसी तरह से आप देखें कि जो पानी पीना है, एक तो पानी अपने आप को डिहाइड्रेटेड ना होने दें, जो डिहाइड्रेशन है वो खतरनाक है और हमें पता नहीं चलता, और पानी की कमी नहीं होनी चाहिए एक चीज। और दूसरा मैं ये भी एडवाइस करूंगा जो यंगस्टर्स हैं घर में खवातीन हैं जो बीपी के पेशेंट नहीं है, उनको लाजमी तौर पे हम लोग नमक से डरते हैं, जो नेचुरल नमक है जो पिंक सॉल्ट है वो लाजमी तौर पे आप पानी में मिला के पिए। ठीक है, थोड़ा सा आपके नमकियात की पसीना बहता है, नमकियात की कमी होती है, तो आप वो लाजमी यूज करें। तीसरा, पानी पीने का जो तरीका हमें वो नहीं आता, सही, पानी को अगर हम मेडिसिन बना लेंगे नोट, तो आप देखेंगे कि वो एक आपकी डाइट बन जाएगी, ठीक है, जबरदस्त आपको एनर्जी देगा। जो पानी है उसको हमें बैठ के बिस्मिल्ला पढ़ के रिलैक्स होके अगर हम लेते हैं तो उसको आप घूंट घूंट पिए, जितने ज्यादा घूंट पिएंगे आपको जो मुंह में स्लेवा है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम स्टमक में जाएगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक होगा, आपकी प्यास भी बुझेगी, और ये एक दी बेस्ट वे है कि आपको वाटर एज ए मेडिसिन के तौर पे यूज करने की। तो ये ड्रिंक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें हैं। इसी तरह जो डाइट है उसमें आप कोशिश करें कि जो ज्यादा स्पाइसी चीजें हैं और ऑयली चीजें हैं उनसे परहेज करें, वो वैसे भी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। और उसके बाद जो सब्जियां हमारी इतनी जबरदस्त सब्जियां होती हैं उनको यूज करें हम, ठीक है, और जो आजकल इतने जबरदस्त हमारे पास लाइक फ्रूट्स आए हुए हैं उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट मजे की चीज है वो फालसा है। ठीक है, जो फालसा है उसको आप ग्राइंड करें और उसमें पानी डालें, भर के लंबा शोरबे वाला किस्म का आप जूस बनाएं, वो सबको पिलाएं, कितना जबरदस्त ड्रिंक है। इसी तरह से वाटरमेलन, आपका तरबूज जो है इसका आप जूस पिए, लेकिन इसमें एहतियात करें कि इससे बाद पानी ना पिए, खरबूजा और तरबूज से पहले पानी ना पिए, बिल्कुल, तो वो आप पी सकते हैं। सर, हमने खवातीन की स्किन सन टैन से बचने के लिए कोई ऐसा टोटका कहा जाता है, मुल्तानी मिट्टी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, इस बारे में क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, अच्छी बात है, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की, जो मिट्टी है ना मिट्टी और स्पेशली मुल्तानी मिट्टी हमारे पास है, ठीक है, हमारा प्यारा शहर मुल्तान है, उनकी लाइक वो बहुत सॉफ्ट है, ठीक है, तो मिट्टी जो है उसको ओवरऑल फेस पे भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, प्लस आप अपने हाथों पे अपनी गर्दन पे फुल ये एब्जॉर्ब कर लेती है आपकी जितने भी टॉक्सिन्स हैं, टॉक्सिटी है, ठीक है, ये एब्जॉर्ब करती है, नंबर वन। नंबर टू जो है आप कुकम्बर, एक सस्ता सा इनकी सब्जी है, उसको आप ग्राइंड कर लें जो है, और उसमें पुदीना भी डाल सकते हैं आप, लेकिन सिंपली कुकम्बर भी हो तो इट्स ओके, उसको आप ग्राइंड करके उसी का पेस्ट, उसमें वाटर कंटेंट काफी ज्यादा होता है, उसको करके उसका जो पेस्ट बनेगा वो आप पूरे फेस पे लगा के थोड़ी देर लेट जाए, ठीक है, तो आपकी आंखें और आपकी जो स्किन है वो बहुत जबरदस्त आपकी हीट डिस्टॉर्शन जो है वो उसको काफी ज्यादा कवर करता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने इतने सारे हमें मामलात एलैबोरेट किए, आपने स्किन इशू पर बात की, आपने हम गर्मी से कैसे बच सकते हैं, हम अपनी ड्रिंक्स को कैसे बेहतर बना सकते हैं हमें बताया। यकीनन तमाम तर पंजाबियों ने कान खोल कर सुन लिया होगा कि डॉक्टर साहब क्या बता रहे हैं, क्या सजेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले 10 दिन हमारे लिए बहुत अलार्मिंग है, तो इन 10 दिनों में हमें एहतियात बरतनी है,
इसी के साथ अपनी मेजबान नूर अमानुल्लाह को दीजिए इजाजत, दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।